अभी मेरे को ड्रेस चेंज करना पड़ा क्योंकि भाई जबरदस्ती कर रही है। देखो ये मुझे ये गाना निकाल रखा है, इस गाने में रील बनाने कहते हैं। मेन चीज तो बोला ही नहीं यार, यूट्यूब चैनल के बारे में। आज है मेहंदी है रीना की। ताई दांत दिखा, चल ताई दांत दिखा, ताई दांत दिखा। वैसे पूरे बंद रहे, देखो ये कल हो यार, छोड़ कर चकाली गया। मेन चीज तो बोला ही नहीं यार, यूट्यूब चैनल के बारे में। यूट्यूब चैनल वही तो मैं कह रही हूँ यार, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब तो वही हुआ ना, ले तुम ले चलो जी रहा जग रहा लगभग लोगों ने सारे खेत खोद दिए हैं, खेत बो भी दिया शायद, लगभग बो रहे आजकल। और देखिए आजकल ये जंगल ये क्या होते हैं मंग, गजियों के मंग भी खाली होने लग गए हैं। अच्छा लग रहा है, सब जगह खुला खुला, वरना बंद बंद सा रहता है, अब खुला खुला सही है। अब इसमें उगेंगे गेहूँ, गाँव में आएंगे। गाँव अभी ऐसे मुँह ढके रहता है। इसका आग देखो, ये अपना कुटेल दे गांव की तरह मोड़। आई व्हाट व्हाट व्हाट, इसका आग देखो, ये इसका नाक से क्या लेना है बता। यहां सर भगवान जी जी लग गया बट बैठते कि बैठ। हां क्यों बैठिया, क्यों ये है ताई जी, ओए खुदा नहीं जाओ पे जाओ, टोड़िया है गाड़ में जाओ ये तो पहले वहाँ ही ना गाड़ में ही नहीं हो, खराब है टूट गया ना, तो मुझे सामान पूछो नहीं की वो सरसों पूछो नहीं। मैं गया हुआ था खेत में सरसों, सरसों के बीज पहुंचाने, ठीक है। वहाँ पापा हैं, वहाँ पे काम पे पापा को लगाया, अभी मुँह में आंवला है भाई, ठीक है। अरे देखिए ये दूसरा वाला बट है रास्ता, एक ही नीचे है, दिख रहा है हल्का सा दिख रहा होगा पुल, जहाँ से हम जाते हैं डेली नॉर्मली, एक है इधर भी है पुल है, वैसी पुल है सेम। देखो एस्थेटिक लग रहा है ना एकदम जंगल में, ये है मेरे दगड़वा। और ये देखिए दोस्त, जिसने अखरोट का पेड़ ना देखा, ये ऐसा होता है अखरोट का पेड़, ये रुको हाँ, ये देखिए ऐसा होता है अखरोट का पेड़, शायद किसी ने देखा नहीं हो, दिस इज अखरोट का पेड़। तो दोस्तों अभी ना मैंने खाना बनाने रखा है, और अभी बजे हुए हैं
दोपहर के 12 बजे हुए और झोली मेरी बन चुकी है और अभी चावल रखे हैं। मगर चावल बनाना काफी टफ है। वैसे चावल बनाना टफ नहीं है, मगर चावल बनाना टफ तब हो जाता है जब चावल घर का हो। आज घर के चावल बन रहे हैं, सुबह खीर बनी घर के चावल की, आज हम घर का चावल खाएंगे। मगर ये काफी टफ होता है, घर का चावल बनाना काफी टफ होता है। देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि इसमें फिक्स पानी चाहिए भाई, ना कम ना ज्यादा। कम ज्यादा होता तो खराब हो जाता है, कम भी होता तो खराब हो जाता है। आई होप कि अच्छा बने। ये देखिए दोस्तों, पापा भी ये पत्ते लेके आ रखे, ताई का ये, और ये धनिया है इसमें, और ये धुआं है भाई। लोगों का देखो इतनी सब्जी हो रही है यार, कहीं से गांव में से लेके आए हैं। ये जो हमारा घर ना, इसके आसपास में हमारा कोई बगीचा बोल सकते हैं, खेत इतनी है जिसमें हम सब्जियां लगाए। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, मैंने सब्जी इसमें लगा रखी है। दिस इज माई ब्रोकलीज। ब्रोकली सेहत के लिए अच्छा होता है। अब पता नहीं कैसा हो गया, पत्ते वत्ते सूख रहे हैं इसके वजह से, मगर आप प्रॉपर हम पानी डाल ही रहे हैं। और वही लोगों का देखो इतनी सब्जी हो रही है यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी शाम हो गई है। एक्चुअली मैंने दिन भर में वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रहा था, काम वगैरह कर रहा था। हैप्पी दीपावली दोस्तों, हैप्पी दीपावली। अभी शाम हो चुकी है, देखिए सभी जगह जलने लग गए, वो चमचमी जल गए और पटाखे छूट रहे हैं लोगों के। और हमारे मेरे पटाखे तो ख़त्म हो चुके हैं, बट एक पटाखा मेरे पास बचा हुआ है, ये वाला। भाई मुझे इस पटाखे का समझ नहीं आ रहा, जलाते फोड़ते कैसे हैं। देखो मैं खोल के दिखाता हूँ इसको, पता नहीं, ये देखिए। तो दोस्तों, मेहंदी में जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। आज है मेहंदी है रीना की। यार पीछे गाने लगा तो मजा आ जाता है, वैसे कॉपीराइट आ सकता है। बाकी अभी हम तैयार हुए हैं शादी में जाने के लिए, नहीं हम रेडी हुए हैं फोटो शूट के लिए। आज लास्ट दिवाली है यार, फोटो शूट कर लेते हैं, ठीक है। एक और हो रही है तैयार, वो है मोनी का बुरा, तो तब तक हम फोटो खींच लेते हैं। चल लेना मोनी, फोटो। और बाकी गाइज, अगर आपको ये फोटोज वगैरह देखने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। किस प्रकार के, वैसे मैं फोटो अच्छे लेता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, कैसे लेता हूँ वैसे। अब ये इनसे पूछ दो, बहुत अच्छा। तो दगड़ियों देखो ये, पता नहीं कैसे लग रहा हूँ मैं इसमें, अच्छा लग रहा है। मेरे को तो उतना खास लगा नहीं, मगर आज जो वाले फोटो खींच ही लेते हैं, ठीक है। चल ले खींच, फोटो में जाना, इसको वो कर दूं। गाइज ये देखिए, इसने रेड पहना है, इसने भी रेड ही पहना है, और मुझे भी मजबूरन रेड पहनना पड़ा क्योंकि मुझे पीला अच्छा नहीं लग रहा था। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी मैं कितना हंसता हुआ लग रहा हूँ ना, मगर बिहाइंड द सीन फोटो खींचते हुए मुझे हंसना पड़ रहा है, और उस फोटो खींचने के बाद मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे लोग यार, कैसे फोटो खींचते हैं। हम कभी फोटो नहीं खींचते हैं। अरे थोड़ा बहुत, मैं भी हमेशा, मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैंने तो अच्छा खींचा, मैं आईडिया नहीं है ना, हम ज्यादा नहीं खींचते। तो चलो यार, सीख के आई मुंह। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतने तगड़े फोटो आ रहे हैं मेरे, इनके मैंने तगड़ी ले ली, इनके मैंने तगड़ी ले लिया, और अब देखते हैं मेरी कैसे लगता है। चलो मेरी भी ली तगड़ी, ले लिया यार, रोन दी यार, मम्मी रोन दी, खींच दी यार। चल अरे रुक जा, कहीं अगर खींचोगे तो डालो यार, अरे रुक जा एक मिनट, ठीक आ रहा है इसमें, मैं थोड़ा आगे आ जा, ताई का भी खींच देंगे। ताई टेंशन मत ले, तू नाराज मत, तू उदास मत हो ताई, तेरे भी खींच देंगे। आगे आ जा, लगिन को वाल पकड़ू वालो जो भाई का चार, बस ऐसे ही का चार, वही को चार बोला, पचा रहा पिछले साल भी यही कुर्ता पहना था, गरीबी यार, वीडियो हो या ऊपर में फोटो खींचने का भी तो होता है, तो ये वो दिख रहा है लाइटिंग, लाइटिंग उड़ा पुराना जैसी क्या जो
राइट एंगल कर खड़े यार, जूम भी हो जाता है यार, वो नहीं है इसमें ना, जूम का भी ऑप्शन है। मुझे सपना हुआ है क्या? अब यार सपना तो नहीं हुआ ना उसको, अब एक नॉर्मल जूम तो हो गई ना। चल चल जा भाई साहब, मैंने कुर्ता चेंज कर लिया, टोपी पहन लिया, फिल्टर लगा के फोटो खींच लिया, मगर मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी भाई, क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है गाइस। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो with my chamchammi light and my dirty face and these dirty and dirty and befoof girls. So jald milte hain guys, jald milte hain guys next vlog mein. Okay, bye. I hope ki agli Diwali mein main ye kurta na pehnu. mere paas naya kurta aur acha kurta agli Diwali mein aap bhi kar sakte ho guys, kyunki agar aap जो भी है यार समझ जा, तो वो क्या समझ जाओ, मैं नहीं बोल सकती। बाकी यार अभी सीन है कि क्या सीन है, मैं भूल गया यार। भाई 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 अभी मेरे को ड्रेस चेंज करना पड़ा, क्योंकि भाई जबरदस्ती कर रही है, देखो ये गाना निकाल रखा है, इस गाने में रील बनाने कहते हैं। अब इनको क्या, इनको बताया ना मैं डांसर हूँ, कल बनाते हैं यार क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, मगर चलो ठीक है, गाना भी ठीक है ना बना लेते। अच्छा यही कर रहे हैं जीते, ये दोनों जीत कर रहे हैं, देखते हैं। चलो गाइस, कितने देख लिए होंगे हमने, इनके कारण मुझे दर्द हो गया मेरे, बस कर मुझे नहीं करनी थी, मेरे तो बनाई, मैं कब से मेरा इतना इसका इतना मन हो रहा था मैं वीडियो बनाऊं रेना का, इस रील पे मोनी को बनाना था, मतलब मुझे भी अच्छा लगता रहेगा ना, मैंने कहा चलो बना लेते हैं भाई, ड्रेस चेंज किया, अभी तक मैंने कहा से ड्रेस पहनना होता तो अच्छा लग रहा था, फोटो खींच दो आप मेरी किस्मत। मुझे सोना भाई, भाई यार तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया भाई, इनके इनके चक्कर में हाथ हो गए, अबे चलो निकलो यार, तुम्हारे चक्कर में रील बना, इनके लिए एक तो रील बनाओ, अपना फोन की बैटरी खत्म करो, वीडियो अपलोड करनी है भाई यार। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।